फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप राशिस किचन चैनल पर जाकर सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं न्यू रेसिपीज को अपलोड करूँ। वेलकम टू राशिस किचन। आज मैं आपके पास एक स्नैक्स आइटम लेके आई हूँ। ये स्नैक्स आइटम आप बनाकर इसको बहुत दिन तक स्टोर भी कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, बहुत क्रिस्पी होता है और आप इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं और गेस्ट कभी आए आप उन्हें सर्व कर सकते हैं। बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, बहुत टेस्टी होता है। इसे हम राइस फ्लावर से बनाते हैं, चावल के आटा से, और इसे हम कहते हैं राइस रिंग क्रिस्पी। इसे बहुत जगह पे मुरक बोलते हैं, चकली भी बोलते हैं, निमकी बोलते हैं, बहुत अलग अलग नाम से इसे बुलाया जाता है, बट मैं इसको बोलती हूँ राइस रिंग क्रिस्पी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होता है। तो आइए हम देखते हैं इसकी रेसिपी। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि हमें क्रिस्पी राइस मुरमुरे के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। यहाँ पे मैंने बटर लिया हुआ है जो कि हम 3 बड़े चम्मच बटर यूज़ करेंगे, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1 बड़ा चम्मच मैंने मूंग दाल लिया है जिसको हमने 15 मिनट के लिए सोक कर दिया है वाटर में। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे और फिर उसे यूज़ करेंगे। हींग आधी छोटी चम्मच, ये उड़द दाल का पाउडर है फ्रेंड्स। उड़द दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसका पाउडर बना लिया है और उसे हम यूज़ करेंगे 2 बड़े चम्मच। बेसन 2 छोटी चम्मच। यहाँ पे हमने चावल का आटा लिया हुआ है, राइस फ्लोर, जिसको हम 2 कप यूज़ करेंगे। तो आइए हम अपना क्रिस्पी राइस मुरमुरे बनाना शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपने पैन को हीट अप करेंगे। हम मीडियम फ्लेम पे इसे हीट अप करेंगे और जब हमारा पैन हीट हो जाएगा तब हम बनाना शुरू करते हैं। हमारा पैन जो है वो हीट अप हो गया है, तब हम इसमें बटर ऐड कर देते हैं। बटर, जैसे कि हमारा बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है हम इसमें जीरा ऐड कर देंगे। हल्दी, आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये बच्चे नहीं खा रहे हैं तो। यहाँ पे मैं अपने बच्चे के लिए बना रही हूँ तो मैंने मिर्च का यूज़ नहीं किया है। काली मिर्च पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। सोक्ड मूंग दाल, हींग, बेसन, उड़द दाल पाउडर। इस बात का ध्यान रखें कि आपको फ्लेम को मीडियम पे या लो पर ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब हम फटाफट से इसमें सॉल्ट ऐड कर लेंगे। हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। और हमें क्विकली इसको चलाते रहना है ताकि ये लम्स ना फॉर्म करे। और अब हम अपना राइस फ्लोर ऐड कर देंगे इसमें। यहाँ पे मैं अपना राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ और हम इसको इस तरह से स्टीयर करते रहेंगे जब तक हमारा वाटर पूरा सोक ना हो जाए राइस में।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो फ्लोर है राइस फ्लोर वो पूरी अच्छी तरह से आटा के फॉर्म में आ रहा है, गूंध रहा है अच्छी तरह से। आप देखिए इसका पूरा पानी अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो गया है। मैंने आपको बताना भूल गई थी ये कसूरी मेथी ऑप्शनल है, अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। मुझे इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा लगता है तो मैं इसको 1 teaspoon एक छोटी चम्मच ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसको कूल डाउन होने के लिए सेपरेट कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हमारा जो डो है वो अच्छे से कूल डाउन हो गया है। हम थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ में ग्रीस कर लेते हैं, आटे को गूंथते हैं इस तरह से, इसे भी हम रोल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बहुत अच्छी तरह से आटे के फॉर्म में जैसे आटा हो जाता है उस तरह से ये राइस फ्लोर भी उस तरह से हो गया है। अब हम इसे सेपरेट कंटेनर में निकाल लेते हैं। आपका राइस फ्लोर जो है वो बहुत ही चिकना एकदम आटे की तरह हो जाएगा। तो आइए हम इसको सेपरेट कंटेनर में अब निकाल लेते हैं। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले हम थोड़ी सी लोई लेते हैं इस तरह से और अपने हैंड को हम ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। सरफेस पे हम थोड़ा सा राइस फ्लोर को स्प्रेड कर लेंगे इस तरह से ताकि हमें बनाने में बहुत इजी पड़े। उसके बाद हम इसको रोल करेंगे। इसको आप कट कर लीजिए। हम इसे 4 pieces में कट कर लेते हैं और अब हम जितना थिन आप चाहते हैं आप उतना थिन इसको बना सकते हैं और आप इसको फोल्ड करके सर्कल शेप भी दे सकते हैं या फिर अगर आपको लंबा रखना है तो आप लंबा भी रख सकते हैं इस तरह से। तो आप इसे पतला कर लें जितना पतला चाहते हैं, उस तरह से आप कट करके इस तरह से भी निमकी बना सकते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सब निमकी रेडी कर लिया है, कुछ बड़े शेप में, कुछ लंबे और कुछ गोल आकार में। अब चलिए हम इसको फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम मीडियम फ्लेम पे अपने ऑयल को हीट अप करेंगे। हमारा ऑयल हीट अप हो गया है तो हम उसमें अपने निमकी डालना शुरू करते हैं। इस तरह से हम अपने सारे रिंग मुरमुरे को ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स इसी तरह हमें मीडियम फ्लेम पे इसे बिल्कुल कुरकुरा फ्राई करना है, बिल्कुल क्रिस्पी रेड करना है। आप इसे वाइट या येलो में नहीं निकालना है इसे, जब ये बिल्कुल रेड रेड सा दिखने लगे तब आप इसको बिल्कुल क्रिस्पी निकालिए। तो यहाँ पर हमारे राइस रिंग क्रिस्पी बनके रेडी है। आप देखिए आप इसे लंबा भी बना सकते हैं, रिंग के फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आइए एक हम तोड़ के देखते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी बना है। तो फ्रेंड्स आपने देखा
सीखा कि इसे हम किस तरह से बनाते हैं। ये स्नैक्स बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बार इसे बनाइए, आप इसे बहुत दिन तक खा सकते हैं। जस्ट आपको इसको एक किसी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रखना है। आप स्नैक्स में, टी टाइम पर, ब्रेकफास्ट में कभी भी इसको सर्व कीजिए, बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आप ज़रूर बनाएं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के कॉर्नर पर आप एक सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं, आप वहाँ क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए ताकि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख सकें। और इसी तरह मेरे वीडियोस को आप देखते रहिए, मुझे प्यार देते रहिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। Thank you so much for watching.